हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि नाइट ऑफ चैंपियंस का पेपर व्यू तो खत्म हो चुका है, जहां पर हमें काफी कुछ शॉकिंग चीजें देखने को मिली, बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जिसके लिए ऑलरेडी WWE ने काफी कुछ कर दिया है। कंफर्म न्यू चैंपियन हमें क्राउन होते हुए दिखने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो ये कि हमें मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलने वाले है। जैसा आप सब जानते हो, WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू है मनी इन दी बैंक, जो कि UK में होने वाला, यानी कि ये भी एक मेजर पेपर व्यू है। एंड जो भी मेंस एंड वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच में रॉ की तरफ से जाने वाला है, वो आप सबको इस वीक के रॉ में होते हुए दिख जाएगा रिवील। सो लेट्स सी कि वो कौन कौन से सुपरस्टार होते हैं जो कि हमें रॉ की तरफ से क्वालिफाई होते हुए दिखते हैं मेंस एंड वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, बेली एंड इयो स्काई वर्सेस रैक्वेल एंड सॉर्जी वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड सोनिया डेविल वर्सेस रोंडा राउजी एंड सेना बेजलर के बीच। यानी कि ये एक फैटल फोर वे मैच होने वाला है। तो लिव मॉर्गन हो चुकी थी इंजर्ड, जिसके वजह से हमें वो एंड रैक्वेल अपनी चैंपियनशिप करते हुए दिखती है रिलिंक्विश। और इस वीक के रॉ में आप सबको न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस क्राउन होते हुए दिखने वाला है। वही बात कर ली जाए कि वो बन कौन सकता है, देन या कोई भी जीत सकता है, बट थोड़े ज्यादा चांसेस रहेंगे रोंडा राउजी एंड सेना बेजलर के, बिकॉज रोंडा राउजी की बुकिंग अभी वैसे WWE में उतनी कुछ खास नहीं हो रही है। और अगर वो यहाँ पर भी हार जाती है, देन फिर पता नहीं भाई क्या ही होगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर रोंडा राउजी एंड सेना बेजलर बनते हुए दिख सकती है न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के बारे में, तो आप सब जानते ही हो सेथ रॉलिंस फाइनली बन चुके हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नाइट ऑफ चैंपियंस के पेपर व्यू में, जिसे देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश है। और सेथ रॉलिंस ने यह बात कंफर्म कर दिया है कि अब रॉ में काफी कुछ आने वाला है चेंज। सो इस वीक के रॉ में जब सेथ रॉलिंस आने वाले हैं, तो मे बी हो सकता है कि वो हमें ओपन चैलेंज करते हुए दिख जाए, या फिर उनका हमें चैलेंजर रिवील होते हुए दिख जाए मनी इन दी बैंक पेपर व्यू के लिए। वहीं बात कर ली जाए कि वो हो कौन सकता है, देन गाइस आप सब जानते हो मनी इन दी बैंक होने वाला है UK में, और वहां से जो सुपरस्टार है वो कोई और नहीं बल्कि है ड्रू मैकएंटायर। लास्ट टाइम जब WWE UK गई थी, देन ड्रू मैकएंटायर को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट इस बार हो सकता है उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख जाए। बिकॉज आप सबको बता दूं, रिसेंटली ऐसी अपडेट निकल कर आई थी कि ड्रू मैकएंटायर अपने रिटर्न के लिए रेडी है, एंड उनका रिटर्न कभी भी हो सकता है। इसलिए मुझे तो चांसेस लगभग अच्छे खासे लग रहे हैं कि इस वीक के रॉ में आप सबको ड्रू मैकएंटायर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, एंड वो आकर चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं सेथ रॉलिंस। और कुछ रूमर्स ऐसे भी थे कि वो एज अ हील रिटर्न करने वाले हैं, तो वो अगर एज अ हील रिटर्न करते हैं, देन वो हमें सेथ रॉलिंस पर अटैक कर चैंपियनशिप रेस करते हुए दिख सकते हैं। वैसे आप किसे देखना चाहते हो सेथ रॉलिंस का फर्स्ट चैलेंजर बनते हुए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स के बारे में। जैसा कि नाइट ऑफ चैंपियंस में हमें कोडी रोड्स ब्रोकन आर्म के साथ मैच में कम्पीट करते हुए दिखते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने किमोरा लगाकर उन्हें पास आउट कर दिया। यानी कि ब्रॉक लेसनर ने हरा दिया कोडी रोड्स को। यानी कि इनका दो मैच हुआ, जिसमें से पहले में तो जीत हुई है कोडी रोड्स की, एंड सेकंड भी जीत हुई है ब्रॉक लेसनर की। और जैसे रूमर्स थे इनका थर्ड मैच हमें देखने को मिलने वाला है समर स्लैम के पेपर व्यू में, तो गाइस उसी को लेकर अपडेट है कि हमें कोडी रोड्स WWE से लेते हुए दिख सकते हैं ब्रेक। और वो ब्रेक क्यों लेंगे, इसका रीजन तो हमें समझ में आ ही गया है, क्योंकि उनकी आर्म हो चुकी है ब्रेक। सो देखकर लग रहा है ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स दोनों मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू तक रहने वाले हैं ऑफ। अब ये हो सकता है इस वीक के रॉ में और बुरी तरह से हमें ब्रॉक लेसनर इंजर्ड करते हुए दिख जाए कोडी रोड्स को। वहीं नाइट ऑफ चैंपियंस में सभी को लग रहा था कि मुस्तफा अली हमें हराते हुए दिख सकते हैं गुंथर को, बट ऐसा नहीं हुआ और गुंथर ने रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप। सो इस वीक के रॉ में आप सबको गुंथर का न्यू चैलेंजर रिवील होते हुए दिख सकता है। अब लेट्स सी वो होता कौन है, क्योंकि गुंथर भी एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंच चुके, उनके सामने सुपरस्टार्स भी अब सोच समझ के रखने पड़ेंगे WWE को। वहीं नाइट ऑफ चैंपियंस में हमें जोई स्टार्क हेल्प करते हुए दिखती है ट्रिश स्टेटस की बैकी लिंच को हराने में, और इस थिंग से बैकी लिंच बिल्कुल भी खुश नहीं रहने वाली। वो इस वीक के रॉ में जरूर से अपना बदला लेने की कोशिश हमें करते हुए दिख सकती है। और अब ये बात ऑब्वियस हो चुकी है कि आने वाले टाइम में जरूर से लीटा हमें साथ देते हुए दिखने वाली है बैकी लिंच की। और अब फाइनली बात कर ली जाए दी ब्लड लाइन के बारे में। वैसे तो ब्लड लाइन स्मैकडाउन में, बट आप सब जानते ही हो WWE इस ड्राफ्ट वाली चीज को ज्यादा कुछ सीरियसली ले नहीं रही है, क्योंकि पहले मन हमें हर वीक के रॉ में लगभग देखने को मिल रहे हैं। और वैसे भी नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद सभी फैंस इसी चीज के बारे में कर रहे हैं बात।
साथ। सो जरूर से इससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ WWE रॉ में करते हुए दिख सकती है। वहीं ऐसे रूमर्स तो है कि WWE टैग टीम मैच प्लान कर रही है रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस दी उसोस के बीच बट गाइस हमें कुछ फैंस डिमांड करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से हमें मेन इवेंट जे उसो देखने को मिला उसी तरह से अब हमें देखने को मिले मेन इवेंट जिमी उसो। यानी कि फैंस चाहते हैं कि जिमी उसो को 1-on-1 अपॉर्चुनिटी मिले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस के अगेंस्ट। सो हो सकता है ये चीज हमें WWE करते हुए भी दिख जाए क्योंकि अभी जे उसो पूरी तरह से अगेंस्ट नहीं हुए रोमन रेंस के, बस वो अपने ब्रदर जिमी उसो का ज्यादा साथ दे रहे हैं। इसलिए ब्लड लाइन तो अब हो चुकी है एंड, बट उनका फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है वो आप सबको इस वीक पता चलते हुए दिख ही जाएगा। तो गाइस यही वो चीजें थी जो कि आप सबको इस वीक के रॉ में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताने की क्या आप मेन इवेंट जिमी उसो देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।